याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम। 1982 का ये गाना सुनकर आज भी आपकी जुबा पर सबसे पहले इंडस्ट्री के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का नाम जरूर आता होगा, जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर में अपनी दमदार अभिनय से खुद को एक सफल एक्टर साबित किया है। वहीं आप तो जानते ही होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती की पहली पसंद इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री जयप्रदा थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिथुन की पहली जयप्रदा के पति आज दिखते हैं इनसे भी ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग। अगर आप भी इन्हें देखेंगे तो यही कहेंगे कि सच में ये मिथुन चक्रवर्ती से भी ज्यादा हैंडसम है। ये सुनने के बाद तो आप भी जयप्रदा के पति के बारे में जानने के लिए बहुत बेताब हो रहे होंगे कि आखिर कौन है वे जो मिथुन चक्रवर्ती से भी ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जयप्रदा के पति से रूबरू कराने वाले हैं। अगर आप भी उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही आपके फेवरेट हीरो मिथुन दा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को बांग्लादेश में हुआ था और इसलिए इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई यहीं से पूरी की। वहीं बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1976 में मृग्या फिल्म से की थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने और भी कई सारी फिल्मों में काम किया जिनमें प्रेम विवाह, देवता, मर्द और डिस्को डांसर जो ऐसी कई जबरदस्त फिल्में शामिल है। आज भी अपने करियर में सक्रिय हैं। तो आखिरी बार ताशकंद फाइल में नजर आए थे। अगर बात करें इनकी पहली पसंद जयप्रदा के पति के बारे में जो दिखते हैं इनसे भी ज्यादा हैंडसम, तो वे कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इनकी पहली मोहब्बत इंडस्ट्री की खूबसूरत हसीना जयप्रदा थी और इनकी पहली मुलाकात साल 1986 में आई फिल्म मुद्दत के सेट पर हुई थी। वहीं आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती पहली नज़र में ही जयप्रदा को अपना दिल दे बैठे थे। धीरे धीरे जयप्रदा भी मिथुन को प्यार करने लगी थी। इस तरह दोनों एक दूसरे को बहुत समय तक डेट करने लगे, लेकिन इनका ये प्यार सफल नहीं हो पाया। दूरियां आने लगी, दोनों की लव स्टोरी में अचानक ही किसी कारण बस दूरियां आने लगी और ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए, जिसके बाद जयप्रदा श्रीकांत नाहटा के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी। लेकिन लोग आज मिथुन चक्रवर्ती की पर्सनैलिटी को जयप्रदा के पति श्रीकांत नाहटा के साथ कंपेयर कर श्रीकांत को ज्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम बताते हैं और लोगों का ये कंपैरिजन काफी हद तक सही भी लगता है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां आज श्रीकांत अपनी डैशिंग पर्सनालिटी के साथ काफी हैंडसम और चार्मिंग लग रहे हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती आज काफी बुढ़े हो गए हैं और इनके बाल भी काफी सफेद दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मिथुन चक्रवर्ती और जयप्रदा के पति श्रीकांत में से कौन ज्यादा हैंडसम है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम चटपटी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।